तुला राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और तुला राशि वालों, माता रानी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर दिन रात गुहार लगाती हैं कि हे माता रानी, किसी के घर धन दौलत की पेटी बरसे या ना बरसे, लेकिन दो वक्त की रोटी के लिए कोई न तरसे। माता रानी, हमारी आपसे इतना ही अनुरोध है। तुला राशि वालों, इस धरती पर कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपकी बराबरी कर सके। जी हाँ तुला राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, अब आपके जीवन में ईश्वर का महाचमत्कार होगा। जी हाँ तुला राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपके जीवन में ईश्वर का चमत्कार होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आप बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही खुशनसीब इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई कितना भी जोर लगा ले, कोई कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन आपकी बराबरी करने के लिए लोग सोच भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, बता दें आज शाम 4 बजे के बाद ग्रहों में कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, ग्रहों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हो रहे हैं जो कि दोस्तों आपका पूरा जीवन ही बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज शाम 4 बजे के बाद लोग देखते ही रह जाएंगे और आप अपने जीवन में वो तरक्की हासिल करोगे, वो कामयाबी मिलेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, कर्मों का परिणाम किसी ना किसी रूप में जरूर मिलता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं अच्छे कर्म करो ताकि परिणाम भी अच्छे मिले। जी हाँ, ये सब आपके अच्छे कर्मों का ही फल है। कहीं ना कहीं आप पिछले समय अंतराल में, पिछले समय अवधि में अच्छे कर्म किए हैं, लोगों का भला किए हैं, बहुत दुख तकलीफ से गुजरे हैं, बहुत परेशानियों का, कष्टों का सामना किए हैं, और ये सब उसी का फल है, उसी का नतीजा है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ईश्वर की महिमा महान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर का हाथ पकड़ कर रखो, दुनिया में लोगों का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज शाम 4 बजे के बाद आपके जीवन में वो कौन कौन से बदलाव होंगे और कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। तुला राशि वालों, जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उन्हें बिजनेस में आज अच्छे नतीजे हासिल होंगे। जी हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, आज आपकी कोई खास योजना लीक हो सकती है। जी हाँ, दूसरों को पता चल सकती है जिससे आज आपको नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, अगर आप नुकसान से बचना चाहती हैं तो आज आप बहुत ही ज़्यादा सावधान और सतर्क रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। खासकर अगर आज आप किसी से बात वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर आज आपको बिल्कुल चुप रहना होगा, बिल्कुल शांत रहना होगा। जी हाँ, नौकरी पेशा लोग ध्यान रखें, लापरवाही की वजह से बड़ी उपलब्धि जो है हाथ से निकल सकती है। जी हाँ, नौकरी में बदलाव संबंधी योजना बनेगी, नए कार्यों में सफलता मिलेगी। इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने कामों पर दें, इस समय बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जी हाँ, लेकिन लापरवाही की वजह से आज आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, इसलिए दोस्तों आज आपको लापरवाही किसी भी चीज़ में नहीं करना है, नहीं तो नुकसान का कारण बन सकता है। देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त पर काम आएगा, लेकिन हम कहते हैं ईश्वर पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो,
जीवन में कभी भी बुरा वक्त नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन में बुरा वक्त उन्हीं के जीवन में आता है जो लोग बुरा सोचते हैं, बुरा कर्म करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, लोगों का भला करोगे, तो आपके जीवन में कभी भी बुरा वक्त नहीं आएगा, क्योंकि जो सबका भला करता है उनका भला ईश्वर करता है। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बाकी दिनों की तुलना में बहुत अच्छा रहने वाला है। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास करते आ रहे थे। यदि कोई शारीरिक समस्या लंबे समय से घेरे हुए थे तो कष्टों में आज कमी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने बढ़ते खर्चों को कम करने की कोशिश करें, नहीं तो आज आपको समस्या हो सकती है। जी हाँ, किसी को भी धन उधार देने से आज आपको बचना होगा, और उधार देने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। जी हाँ, सितारे कहते हैं अगर आज आप किसी को भी धन रुपया पैसा उधार दोगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में बहुत अच्छा रहने वाला है। चारों तरफ से आज आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा आज आपको पूरी तरह से मिलने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की जन समर्थन में इजाफा होगा और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। बच्चों के लिए आप कोई उपहार लेकर आ सकते हैं जिससे छोटे बच्चे मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। परिवार में यदि किसी कलह को लेकर आपका मन परेशान चल रहा था तो आज वरिष्ठ सदस्यों की मदद से दूर होता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, आपकी वाणी की सौम्यता आज आपको मान सम्मान दिलवाएगी। जी हाँ, पिताजी से आपको किसी किए हुए वादे को समय पर पूरा करना होगा, नहीं तो वो आज आपसे नाराज हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है। जी हाँ, इसलिए दोस्तों आज आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घूमने फिरने के दौरान आज आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। यदि आप किसी बात को लेकर विचारधारा कर रहे हैं तो उसमें ढील ना दें। कार्य क्षेत्र में किसी की बातों में ना आए, नहीं तो आपका वह फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और जल्दबाजी में किए गए काम से आज आपको नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको जल्दबाजी किसी भी चीज में नहीं करना है। आपका कोई मित्र आपसे लंबे समय बाद मुलाकात करने आपके घर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन कामों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, काम बनते बनते बीच में ही अटक जा रहा था, तो इस तरह की समस्याओं से अब आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि किस्मत जब साथ देती है तो कई सारे काम यूं ही अपने आप बनने लग जाते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जोश में आकर होश नहीं खो बैठना है। जी हाँ, क्योंकि कई बार हम भावनाओं में भटक कर गलत फैसला ले लेते हैं जो कि आगे चलकर हमें दिक्कत होती है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करनी है जिससे कि आगे चलकर हमें दिक्कत हो, क्योंकि जब भी आप फैसला लें, हमेशा परिस्थिति को देखकर फैसला लें, क्योंकि दुनिया को देखकर लिए गए फैसले हमेशा ही गलत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आप ही जानते हैं। आप से बेटर और कोई नहीं जान सकता। जी हाँ, अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप संतान के कैरियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जो कि आगे चलकर आपको बहुत लाभदायक रहेगी। आपका कोई मित्र आज लंबे समय बाद आपसे मिलने आ सकता है, जो आपके लिए कोई उपहार भी लेकर आ सकता है।
जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी, आज आप शब के हित के बारे में सोचेंगे, आज के दिन एक लक्ष्य पर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको छोटी दूरी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। भाई व बहनों से चल रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त करनी होगी तो ही आपके लिए बेहतर होंगी। यदि आप किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो उसमें भी आप आगे बढ़ेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। यदि आपने अपने कामों में सूझबूझ दिखाई तो वो लंबे समय तक जो है लटक सकता है। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक मामलों में आप विनम्रता बनाए रखें। यदि आपको किसी की कोई बात बुरी लगे तो भी आप उसे ना कहें, किसी को भी ना कहें। नए वाहन को आप खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। जो लोग विदेश की यात्रा जाने की सोच विचार कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन कोई अच्छा अवसर लेकर आ सकता है। जी हाँ, आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ उपहार खरीद सकती हैं। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के मार्ग प्रस्त होंगे। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन उन्नति दिलाने वाला रहेगा। आपका कोई मित्र आज आपके घर दावत पर आ सकता है। आपको कार्यक्षेत्र में किसी गलती को दोहराने से बचना होगा, नहीं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आप बार बार एक ही गलतियां करते हैं, जाने अनजाने में वही गलतियां कर देते हैं जो गलतियां आप नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको सावधान और सतर्क रहने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी बहुमुखी प्रतिभा से भी कोई आपको लाभ होगा। और आज के दिन आपके लिए कुछ मित्र आपकी समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप किसी से बहुत ही तोल मोल कर बोले, नहीं तो किसी बात पर वाद विवाद खड़ा हो सकता है। माता पिता की सेवा में आप जो है दिन का कुछ समय व्यतीत करेंगे जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपकी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि दिलाने वाला समय रहेगा। धार्मिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी से आप संतान के भविष्य संबंधित कुछ योजनाओं के जो है बनाने के बारे में बातचीत कर सकते हैं। आपको परिवार में यदि किसी सदस्य की कोई बात बुरी लगे तो आप उसे अवश्य कहें। विद्यार्थी अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर थोड़ा सा परेशान रहेंगे, लेकिन दोस्तों परेशानी इनका समाधान नहीं है। जी हाँ, अगर आप इनका समाधान ढूंढेंगे तो आपको समाधान जरूर मिलेगा। उसके लिए आपको अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी, तभी इसका समाधान मिलेगा। आप अपने परिजनों के प्रति प्रेम व स्नेह बना रहेगा। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको कार्यक्षेत्र में अपनी बुद्धि व विवेक से ही कोई निर्णय लेना बेहतर रहेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी पूरी रुचि जागृत होगी। आपको कुछ पुण्य कार्य को लेकर करने का भी मौका मिलेगा। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उनको व्यवसाय संबंधित कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ, आप अपने वरिष्ठ सदस्यों से पूछकर ही निवेश करें तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। जी हाँ, बहुत जरूरत है आपको सावधान और सतर्क रहने की, क्योंकि दोस्तों आपको कोई शारीरिक कष्ट आज आपको परेशान कर सकता है। यदि आपने किसी को धन उधार दिया हुआ था तो उससे नरमी से पेश आए, वरना आपका वह धन फंस सकता है। जी हाँ दोस्तों, परिवार के सदस्यों में चल रहे आपसी वाद विवाद में दोनों पक्षों की सुनना ही बेहतर रहेगा और कोई निर्णय लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। निजी मामलों में आप अपनी रुचि बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में आप अपनी मेहनत और लगन से अधिकारियों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे, लेकिन प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
आज आपको ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना है जिससे कि एक दूसरे को बुरा लगे, नहीं तो दोस्तों आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिखाई दे रही है कि आज के दिन आपके धन धान्य में वृद्धि लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ भौतिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है और आपको आज परिवार की किसी सदस्य की ओर से शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, यदि आपने किसी को रुपये पैसे धन वगैरह उधार दिए थे तो वह भी आज आपको मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, माता पिता का आशीर्वाद मिल रही है और माता पिता के आशीर्वाद से आज आपका रुका हुआ काम समय पर पूरा हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, माता पिता के चरणों में संसार की सारी खुशियां हैं, इसलिए किसी भी शुभ काम करने के लिए घर से जाते वक्त आपको अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके ही निकलना है, इतना ध्यान रखिएगा। जिनके माता पिता नहीं है वो अपने घर में रखी भगवान को प्रणाम करके निकलें, इससे आपके वो काम बनने की पूरी संभावना बन जाती है, संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इतना जरूर ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत आगे आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से खास तौर से आज आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, उससे आपको ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखना है, लेन देन नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आगे आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके अंदर त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी और आप सभी का सम्मान करेंगे, सभी का रिस्पेक्ट करेंगे। आपको किसी मामले में बड़ों की सलाह मिलने से आपको जो है बचना होगा और कामकाज की तलाश कर रहे लोग अपने किसी मित्र की मदद से जो है आपका उनका काम सफल हो सकता है। आपको किसी दूर रह रहे परिजन से आज आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। बिजनेस में उतार चढ़ाव बना रहेगा लेकिन फिर भी आप अपने घर में रहकर ही अच्छा खासा लाभ कमा सकती हैं। आपको किसी पुराने गलती से आपको सबक लेना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिन गलतियों से आपको नुकसान हुआ है उन्हें आपको दोबारा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए अच्छा समय रहेगा, आपको कुछ अवरोधों को दूर करना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आर्थिक अवसरों को लेकर आप थोड़ा सा सोच विचार कर सकती हैं जिसके कारण कुछ बड़े अवसर आपके हाथ से निकल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, समय की लापरवाही करने से बचिएगा। आपको आज घर में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे जो कि नाकामयाब रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने रूटीन बनाए रखें और यदि आप बिजनेस में कुछ कामों को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो उनके पूरे होने में समस्या आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज का दिन आपको एक दूसरे के भरोसे नहीं रहना है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपके लिए उन्नति दिलाने वाला समय रहेगा। यदि आप बिजनेस में किसी प्रस्ताव को खुद लेकर किसी बाहरी व्यक्ति से मिलेंगे तो वो आपकी बात अवश्य समझेंगे और नौकरी में कार्यरत लोगों को आज अपनी गलतियों को दोहराने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने अनुभव का पूरा लाभ उठाएंगे और आपके किसी मन की इच्छा आज पूरी होने से आप काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, परिवार में छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइशें कर सकती हैं, आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने कामों पर ध्यान देना होगा, इधर उधर एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने से बचिएगा, नहीं तो आपके समय की बर्बादी होने के अलावा और भी कुछ आपको फायदा नहीं होगा।
जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आपके लिए धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप किसी काम में बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे जिसमें बाद में आपको समस्या हो सकती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी काम में कदम बढ़ाने से पहले आपको दोबारा जरूर सोचना चाहिए। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और व्यवसाय में आप अपनी दीर्घकालीन योजनाओं की फिर से शुरुआत कर सकती हैं और आपको एक से अधिक स्रोतों से लाभ प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप अपने से ज़्यादा औरों के कामों पर ध्यान लगाएंगे जिससे आपको कुछ कम जो है जो काम है लटक सकती हैं। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहा है कि समय आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। भाग्य आपका 78% साथ दे रही है। आपको अपना जो है ध्यान अपने कामों में लगाना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। जी हाँ, जो लोग व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, घर से दूर रहते हैं, उन्हें आज कोई बड़ी शुभ समाचार प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, परिवार के सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से आज आपको राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमने कहा है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, अति उत्तम रहने वाला है। आपको संतान के कैरियर की चिंता थोड़ी बहुत सता सकती है, लेकिन अगर आप सही समय पर सही डिसीजन लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जी हाँ, अपनी जिम्मेदारियाँ जो है खरे उतरेंगे, जिसे देखकर परिवार के सदस्य भी आपसे प्रसन्न होंगे। लेकिन आप अपने किसी कामों को लेकर यदि लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो आपकी वह समस्या भी आज दूर होगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल से सभी प्रकार की परेशानी, सभी प्रकार के दुख दर्द खत्म होने वाले हैं। आज के दिन आपका पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। जी हाँ, और राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमा रहे लोगों को आज किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके कुछ विरोधी आपके बनते कामों में रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिनसे आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो वो लोग आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर देवों के देव साक्षात महादेव जी का हाथ है। यदि आपका कोई लंबे समय से कार्य रुका हुआ था तो वह भी देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से पूरा होने वाला है, जिससे के बाद जो है तनाव आपका कम होगा। लेकिन आप किसी के कहने में आकर आज कोई बड़ा निवेश करने से बचिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप दूसरों के कहने पर आकर कोई निवेश करते हैं तो आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकता है। कहीं पर भी निवेश करने से पहले आप दोबारा जरूर सोच लें, और अगर आपके घर में कोई एक्सपर्ट जानकार व्यक्ति है तो आप उनसे सलाह मशवरा ले लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस में आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे आपको खुशी होगी और आपके साथ साथ आपके पूरे घर वालों को भी खुशी होगी। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। व्यवसाय में आपको किसी अपरिचित व्यक्ति से आज लाभ हो सकता है। जी हाँ, कोई अनजान व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते हैं, उनसे आज आपको लाभ हो सकता है, लेकिन सतर्क रहिएगा, आपको धोखा भी मिल सकता है। जी हाँ, और कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अधिकारियों द्वारा आज आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी, और यदि घर परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो उसे घर से बाहर न जाने दें, नहीं तो लोग इसका फायदा उठा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ही को ध्यान रखना होगा, नहीं तो आगे चलकर आप ही को पछताना पड़ेगा। आज का दिन आपके लिए विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। जी हाँ, आप अपनी जरूरत की कुछ वस्तुओं की खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे,
आप किसी भी वाद विवाद में ना पड़े और अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज आप समय निकालने में कामयाब रहेंगे। जी हाँ, और आपने यदि कोई काम मन में सोच कर रखा था तो वह भी आज पूरा हो सकता है, जिसके बाद परिवार के किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और छोटे बच्चे मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए रहेगा। जी हाँ, समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती है, ऐसी ग्रह सितारे हमें संकेत दे रहे हैं। यदि जीवन साथी से आपके कुछ मतभेद चल रहे थे तो वह भी आज के दिन दूर होंगे। जी हाँ, व्यापार में आपको अपनी आंख व कान खुले रखकर आगे बढ़े, नहीं तो आपको कोई समस्या हो सकती है, कोई आपको धोखा दे सकता है। विरोधी आपसे बहुत प्यार से पेश आएंगे, जिन्हें आपको पहचानना होगा। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो दिक्कत होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन खुशी के मारे गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, अगर हो सके तो ये उपाय आप जरूर करना। इस उपाय में आपको कोई भी पैसा, कोई भी पूंजी नहीं लगेगा। जी हाँ, आपको सच्ची श्रद्धा के साथ सच्चे मन से ये उपाय करना है। यदि आप दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपने छत पर मिट्टी के पात्र में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर दें। इससे धीरे धीरे आपकी समस्याओं का अंत होने लगेगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगेगा। इसके साथ ही अपने घर के बाहर भी पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो ये छोटा सा उपाय है, अगर आपको समय मिलता है, मौका मिलता है तो आप जरूर करना, इसका लाभ आप अपनी आंखों से देखोगी। जी हाँ, चलिए वीडियो में आगे बढ़ती हैं। देखिए दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप एक नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो वह आज के दिन कर सकती हैं, जिसमें आपके परिजनों का पूरा साथ मिलेगा। आप संतान को कोई वाहन भी दिलवा सकते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना भी बना सकते हैं। जी हाँ, आर्थिक स्थिति को लेकर यदि आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो वह पहले से मजबूत होगी और आपका कोई पुराना कर्ज भी काफी हद तक समाप्त होगा, जो आपको खुशी देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ग्रह सितारे संकेत दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में टेंशन ही टेंशन है, लेकिन फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। क्योंकि दोस्तों, आप जितनी ज्यादा खुश रहेंगे आपके जीवन में उतनी खुशियां आएंगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें, क्योंकि दोस्तों खुशियां हमें बांटने से ही मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपके लिए जो समय होंगे, ये समय आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपके लिए किसी देखिए रुपये पैसे पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा और आप अपनी वाणी व्यवहार से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे और कार्यक्षेत्र में आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। इसके उपरांत जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, उनके लिए आज का दिन उनकी इच्छा पूरी हो सकती है और उन्हें रसूखदार लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहा है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो आगे आपके लिए और भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय करियर को लेकर परेशान चल रहे थे तो उन्हें आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप यदि किसी संपत्ति का सौदा करें तो उसमें जरूरी कागजातों पर बहुत ही देखभाल कर दस्तखत करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगी।
क्योंकि दोस्तों आज आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए सावधान रहिएगा। व्यवसाय में आज आप सूझबूझ दिखाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आपसे कोई चूक हो सकता है। यदि आपने संतान को कोई वादा किया था तो आप पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकातें हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, समय अभी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों आज के दिन कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए रहेगा। आज आपकी कुछ परिजनों से भेंट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे। यदि आपको कोई सलाह दे तो उसे आपको उस पर बहुत ही सोच विचार करके चलना होगा, नहीं तो कोई गलत सलाह आपको दे सकता है जो कि आगे चलकर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। जी देखिए दोस्तों, यदि आप नौकरी में बदलाव चाहती हैं तो आप किसी जरूरी जगह अप्लाई कर सकती हैं, वहां से आपको कोई अच्छी ऑफर मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि समय अभी आपके पक्ष में है। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी जो कि आपके लिए लाभदायक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी काम में यदि समस्या आ रही थी तो उसके लिए आप अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अपने अनुभव व पूरा लाभ मिलेगा। आप किसी मकान दुकान आदि की खरीदारी करने पर विचार बना सकते हैं, जिसमें आप वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगी। जी हाँ दोस्तों, समय अभी आपके लिए बेहतर है। आपको अभी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मेहनत के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। आज का दिन धार्मिक आयोजन से अच्छा लाभ मिल सकता है और विद्यार्थी भी अपनी शिक्षा पर पूरा जोर देंगे। आपको इधर उधर बैठकर खाली समय व्यतीत करने से अच्छा है कि आप अपने कामों पर ध्यान लगाएं तो आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए किसी मन की इच्छा पूर्ति होने से आपका परिवार के सदस्यों के लिए छोटे मोटे पार्टी का आयोजन करा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर किसी पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि की तैयारियों में व्यस्त रहेंगे और परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों आज के दिन जोखिम से भरे काम हाथ में आजमाने से बचने के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जोखिम भरे कामों से आज आपको बचना होगा। आप किसी की शिख व सलाह पर चल कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन कारोबार कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा कमजोर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने डेली रूटीन और अनुशासन के प्रति सावधान रहना होगा। किसी काम में यदि आपने लापरवाही की तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कार्य कररत हैं तो उन्हें आज सावधान रहकर काम करना होगा, नहीं तो उनके लिए अधिकारी उन पर नाराज हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, आपको बहुत बड़े खतरों से बचाएगा। दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।